नमस्कार जी। आज से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत इटार्ड अभिक्रिया क्या है इसे जानें। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय टॉलुइन को क्रोमीन क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय टॉलुइन को क्रोमीन क्लोराइड के साथ ऑक्सीकृत कराने पर जटिल यौगिक बनता है जो जल अपघटन पर बेंज एल्डिहाइड देता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम समीकरण के माध्यम से इटार्ड अभिक्रिया को जानें। तो टॉलुइन लेंगे C6H5CH3 टॉलुइन। टॉलुइन की अभिक्रिया क्रोमीन क्लोराइड के साथ कराएंगे CrO2Cl2, ये क्रोमीन क्लोराइड है, इसके दो अणु लेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अस्थायी यौगिक बनेगा। अस्थायी यौगिक जो संकुल बनेगा वो इस प्रकार से है C6H5CHOCrCl2OH2। तो ये जो अस्थायी संकुल बना ये शीघ्र जल अपघटित होकर बेंज एल्डिहाइड देता है। क्रोमिल संकुल क्रोमिल संकुल जो जल अपघटित होकर H2O जल अपघटन के पश्चात बेंज एल्डिहाइड देता है। बेंज एल्डिहाइड को हम यहां पर लिखेंगे आने वाली अभिक्रिया को C6H5CHO बेंजाइल्डिहाइड।